धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म, इसकी समझ, इसके सवाल जवाब देखेंगे आज। ये जो अध्याय, ये जो टॉपिक हमने देखा, उसकी भूमिका को एक बार फिर पढ़िएगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बदले की भावना इस समस्या से निपटने का सही रास्ता नहीं हो सकती? अगर सारे समूह बदले के रास्ते पर चल पड़े तो क्या हो? हिटलर ने क्या किया? हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार किए। अब यहूदी धर्म को जो मानने वाले इसराइल में मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यक जो है उनके साथ भी अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, तो इस प्रकार की जो बदले की भावना है वो कोई भी समस्या का समाधान नहीं है या समस्या को निपटने का तरीका नहीं है। अगर सारे समूह बदले के रास्ते को अपना ले तो पूरे विश्व में अफरा तफरी फैल जाएगी और यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित करेगा। विभिन्न समूहों के बीच अगर कोऑपरेशन हो, परस्पर सहयोग हो और सामंजस्य की भावना होगी, तभी विश्व आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हम किस तरफ जा रहे हैं आप समझ सकते हैं। गांधी जी ने कहा था कि, या शायद किसी और साहब ने बहुत बड़ी बात कही थी कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड। इसका मतलब अगर आप किसी की या किसी ने आपकी आंख खराब की और आप उसकी आंख खराब करने के लिए उतावले हो गए तो सारा विश्व जो है वो अंधा हो जाएगा। कक्षा में चर्चा करें क्या एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं? एक ही धर्म के अलग के अंदर अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन या इंसानी जो दिमाग है वो काफी दूर तक या काफी फैलाव से सोचता है। आज जो जनरेशन है, कल जो जनरेशन आएगी, वो एक ही चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। तो एक ही धर्म में आप अलग अलग लोग हो सकते हैं जो अलग अलग तरीके से उस धर्म को लें। क्या आप भारत के किसी भी भाग से हाल की कोई ऐसी घटना बता सकते हैं जहां संविधान के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों का उल्लंघन किया गया है और लोगों को उनके धर्म के वजह से प्रताड़ित किया गया हो या मारा गया हो? जम्मू कश्मीर में मुसलमान गैर मुस्लिम समुदाय को प्रताड़ित करते हैं या मार देते हैं, ये संविधान के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों का उल्लंघन है। लेकिन ये बात बोलने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे, यानी कि दोनों ही समुदाय को देखना पड़ेगा कि क्या बैकग्राउंड रहा। तो जो ये समस्या है इसका उन्मूलन आज या कल में नहीं होगा, इसके जड़ पे जाना पड़ेगा। ऐसी जब गुजरात में गोधरा कांड हुआ, यानी कि एक कंपार्टमेंट है साबरमती एक्सप्रेस की या ऐसी कोई एक्सप्रेस थी, उसका एक गोधरा रेलवे स्टेशन पे उसमें आग लगी या आग लगाई गई, जो भी डिसाइड किया गया हो या जो भी रिजल्ट रहा हो, उसके बाद जो एक समुदाय ने दूसरे समुदाय को, उनके लोगों को मारा, बल्कि एक तो ऐसा काम किया कि एक बहुत मतलब जघन्य अपराध हुए उसके बाद। लेकिन इसका हमको रूट पे जाना पड़ेगा और इन सब चीज़ों को जब तक हम दिमाग से ना हटाएं, क्योंकि धर्म हमारा फेथ है और हमारा धर्म ये सब धर्म ये कहते हैं कि अच्छे बनो, दूसरे धर्म की इज्जत करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। ये जो चित्र कथा पट में शिक्षक ने जो उत्तर दिया उस पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि एक जो कुछ बच्चे थे उन्होंने कहा शिक्षक से कि एक त्यौहार आ रहा है, धार्मिक त्यौहार आ रहा है, इसको मनाया जाए। शिक्षक ने कहा कि देखिए, ये राजकीय माध्यमिक विद्यालय है, सरकारी स्कूल है, यहाँ पर कोई भी रिलीजियस इवेंट नहीं होगा, बल्कि रिलीजियस मोस्टली इवेंट में तो छुट्टियाँ ही होती हैं और ये आपका पर्सनल फेथ है, आप अपने घर पर जाएँ और वहाँ पर इसको धूमधाम से मनाएं। लेकिन ये जगह, ये इलाका, ये क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर हम ये करें। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये शिक्षक का उत्तर था, बहुत ही बेहतरीन उत्तर दिया इन्होंने। सरकारी स्कूल किसी एक धर्म को महत्व नहीं देता है, बल्कि सरकारी स्कूल सभी धर्मों को महत्व देता है। कहने का मतलब कि वो केवल एक चीज समझाता है जो बाकी धर्म समझाते हैं, कि अच्छे बनो, नेक बनो, सबकी मदद करो, सब धर्म यही समझाते हैं। लेकिन कोई एक धर्म की भावना को प्रेरित करना या फिर आप ये धर्म के बन जाइए, वो धर्म अच्छा नहीं है, ये किसी सरकारी स्कूल में नहीं हो सकता। सरकारी स्कूल के लिए सभी धर्म समान है, ये शिक्षक ने कहा, और अधिकतर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है।
इसीलिए अगर आपका कोई फेथ है, धर्म है, तो आप इसे धूमधाम से मनाइए। किसी ने किसी को नहीं रोका, आप इत्मीनान से मनाइए। लेकिन सरकार और सरकारी जो संस्थान है और धर्म, ये अलग अलग है। यहाँ पर सिंह साहब जो है वो हेलमेट नहीं लगा रहे थे, तो उनके दोस्त ने कहा कि हेलमेट लगा लो। सिंह साहब ने कहा, देखिए ये मेरा बिलीफ है, रिलीजियस बिलीफ है, मैं सिख धर्म से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए मैं हेलमेट अगर ना पहनूँ तो सरकार ने मुझे कुछ छूट दे रखी है। तो सरकारी स्कूलों में अक्सर धर्म, कई धर्मों के बच्चे आते हैं। इसको ध्यान रखते हुए धर्म निरपेक्ष राज्य के 3 उद्देश्यों को दोबारा आप जानिए, और इसके बाद आप ये बताइए 2 वाक्यों में कि सरकारी स्कूलों को किसी एक धर्म को बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहिए। तो देखिए, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये में लिखा हुआ है कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। तो इसीलिए सरकारी स्कूल सरकार के अंडर में आते हैं, तो उसमें धर्म निरपेक्षता की नीति का पालन किया जाता है। उसके बाद सरकारी स्कूल न तो किसी खास धर्म को किसी पे थोप सकता है, और न ही विद्यार्थियों की धार्मिक स्वतंत्रता छीन सकता है। ना तो वो ये कह सकता है कि आपको ये धर्म अपनाना है या ये धर्म करना है, ना ये कह सकता है कि ये धर्म आपको नहीं मानना है। अपने पास पड़ोस में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। आप विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं, विभिन्न देवताओं की पूजा, विभिन्न पवित्र स्थानों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन आदि को देख सकते हैं। क्या इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है? तो जो कर्म क्रियाकलाप है उसका मैं एक इंडिकेशन दे देता हूँ आपको। जैसे हिंदू धर्म है जिसको सनातन बेस कहा जाता है, क्योंकि हिंदू एक बिलीफ है, सनातन धर्म इसके पीछे आता है। जैसे मुस्लिम धर्म नहीं है, इस्लाम है, और जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं उन्हें मुस्लिम कहा जाता है। तो हिंदू धर्म में देखा जाए तो भजन होता है, संगीत होता है, प्रार्थना पूजा कीर्तन होता है। मुस्लिम में नमाज होती है, इस्तमा होता है, इबादत होती है। सिख में प्रभात फेरी होती है, शब्द कीर्तन होता है, दरबार में जाते हैं लोग, अरदास होता है, नगर कीर्तन होता है, और सबसे बड़ी बात लंगर होता है। कोई भी आदमी भूखा नहीं सोए, जाएं आप गुरुद्वारे, आपको खाना मिलेगा। ईसाई में प्रार्थना होती है। और दूसरे इसका जो उत्तर आप दे सकते हैं, हाँ, इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है। और हमारे देश की विविधता और अच्छाई ये है कि एक जगह आपको अजान सुनाई देगी और कहीं दूसरी जगह जगराता चल रहा होगा, और आप दोनों का ही आनंद ले सकते हैं। और भाई, और जो एक भाव पैदा होता है उसको आप आत्मसात करके इन धर्मों का आनंद ले सकते हैं, और उस धर्म की जो अच्छाइयाँ हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी धर्म के लोग ये कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है, तो क्या सरकार किसी तरह दखल देगी या नहीं? अपने उत्तर किसके समर्थन के कारण बताइए। देखिए, नवजात शिशु को मारने की छूट देता है, ऐसा कोई धर्म है? पहली बात तो वो धर्म ऐसा होगा, ये ही हम लोग के लिए सवाल हो जाएगा। कोई भी धर्म ऐसी चीजें नहीं बताता, नहीं करता है। हर धर्म सच्चाई और अच्छाई की तरफ हमें ले जाता है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो सरकार निश्चित तौर पर हस्तक्षेप करेगी। कानूनों के अनुसार किसी भी कारण से की गई हत्या एक अपराध है, चाहे कोई भी धर्म, कोई भी विश्वास इसको अनुमति देता हो। यह धार्मिक छूट मानव अधिकारों का हनन है। इस तालिका को हम पूरा करेंगे तो एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर वर्चस्व नहीं रखता। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सभी समुदाय के समान विकास के हेतु, या सभी का समान विकास हो, इसीलिए एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय के वर्चस्व नहीं रखता, यानी कि प्रभुत्व नहीं रखता। और इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक उदाहरण हम बता सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में मुसलमान हिंदुओं का वर्चस्व, हिंदुओं पर वर्चस्व रखते हैं, और ऐसी जगह और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जहाँ पर मुसलमान हिंदू जो है वो मुसलमानों पर वर्चस्व रखते हैं, इसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेकिन इससे कोई भी हीन भावना या ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए आपको, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है, आपको अच्छा आदमी बनना है। उसके बाद राज्य न तो किसी धर्म को थोपता है और न लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनता है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार, भेदभाव रोकना चाहती है सरकार, और ये रोकना जरूरी है। जैसे श्रीलंका में तमिलों पर सिंहलियों का वर्चस्व है, जैसे श्रीलंका में अलग अलग, श्रीलंका में भी ऐसा है, हर हर देश में जाएं आपको अलग अलग मेजोरिटी मिलेगी, अलग अलग मिनोरिटी मिलेगी।
लेकिन सब दिक्कत तब आ जाती है कि एक देश में मान लीजिए 45% एक कम्युनिटी है और 55% दूसरी कम्युनिटी है, वहाँ क्योंकि दोनों बराबर बराबर आते हैं वहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, जैसे कि श्रीलंका में हम देखते हैं। उसके बाद एक ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के दूसरे लोगों को ना दबाएं, तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि शांति, सहनशीलता, समन्वय और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे। हर इंसान, हर आदमी चाहता है कि सब चीज़ें शांत रहें, वो खुश रहें और ज़िंदगी आराम से बीत जाए। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो नुकसान सबका होता है, खासतौर पर बेगुनाहों का होता है। इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक उदाहरण मैं बता सकता हूँ। जैसे हिंदुओं में छुआछूत का प्रचलन है, जैसे हम पहले सती प्रथा हुआ करती थी, तो ये जो अलग अलग कास्ट सिस्टम या क्रीड सिस्टम या रिलीजन वगैरह बने या आए या उनकी भावना लोगों में बढ़ी, तो उससे चीज़ें खराब होने लगी। हमें रिलीजन को अच्छी चीज़ें उसकी निकालनी है, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। अपने स्कूल की छुट्टियों के वार्षिक कैलेंडर को देखिए, उसमें कितनी छुट्टियां विभिन्न धर्मों से संबंधित है, इससे क्या संकेत मिलता है। तो देखिए, मुसलमानों से संबंधित जो अलग अलग आप कहें कि उनके दिन आते हैं जब वो त्यौहार मनाते हैं, ईद उल जुहा जिसे हम मीठी ईद भी कहते हैं, मुहर्रम होता है। मुहर्रम वैसे त्यौहार नहीं है, ये एक ऐसा दिन है जिसमें किसी की मृत्यु हुई थी उसका एक तरीके से वो मनाया जाता है, लोग उसको याद करते हैं। मिलादुन नबी एक है, ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, ईद उल अजहा, ये ईद उल फित्र जो है वो मीठी ईद है, ईद उल अजहा जो है वो बकर ईद है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस अपनी बात को चेंज करता हूँ। सिखों से संबंधित धर्म देखा जाए तो बैसाखी है और गुरु नानक जयंती है। बैसाखी जो है खास तौर पर जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, किसानी से संबंधित है, वो लोग मनाते हैं। और जैन धर्म से संबंधित है महावीर जयंती, बौद्ध धर्म से है बुद्ध पूर्णिमा, और हिंदू धर्म से संबंधित लोहड़ी हो गया, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, रविदास जयंती, महाशिवरात्रि, होली, रामनवमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दशहरा, वाल्मीकि जयंती, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, जैसे बहुत सारे त्यौहार हैं। और ये लोगों के बिलीफ पे होता है कि वो किसको बहुत अच्छे से मनाते हैं। जैसे होली और दिवाली बहुत हिंदुस्तान में खासतौर पर बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, और ईसाई धर्म से गुड फ्राइडे है, क्रिसमस डे। तो अगला जो है इसमें संकेत क्या मिलता है इसको देखेंगे कि भारत में एक डाइवर्स कंट्री है, भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अलग फेथ और बिलीफ के लोग रहते हैं। भारत के सभी धर्मों में के लोगों की भावनाओं का आदर किया जाता है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है भारत के जो मेजॉरिटी लोग हैं वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के धर्मों का आदर करते हैं, और उसमें वो समझना चाहते हैं, उसमें वो आना चाहते हैं, आना इस तरीके से धर्म को बिलीव करना चाहते हैं, वो उस धर्म को समझना चाहते हैं और उसको दूसरा आदमी उस धर्म को पालन करे उसमें मदद करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि जब ईद की नमाज़ होती है या फिर फ्राइडे की नमाज़ होती है तो लोग ज़्यादा नमाज़ पढ़ने आते हैं, तो मस्जिद अगर भर जाए तो लोग रोड पे नमाज़ पढ़ने के लिए देते हैं और एक खाली मतलब लोग अलाउ करते हैं कि लोग इसे पढ़ें। इसी तरीके से मान लीजिए कहीं अगर दुर्गा पूजा है तो मंडप लगाया जाता है और वहाँ पर मंडप जो है पूरे रोड को घेर लेता है, तो इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होती, लोग इस तरफ से निकल जाते हैं, क्योंकि ये जो धार्मिक बिलीफ है एक दूसरे का आदर होता है। तो प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा का धर्म अपनाना और प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, ये इससे हमें संकेत मिलते हैं। एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोणों के कुछ उदाहरण दे दीजिए तो देखिएगा कि धर्म जैसे अलग अलग दृष्टिकोण क्या हो सकते हैं। कि हिंदू धर्म में ही आप देखेंगे सनातन धर्म है जहां मूर्ति पूजा होती है, आर्य समाज है, ऐसे एक ही धर्म में हिंदू धर्म में अलग अलग बाइफर्केशन है। इस्लाम में देखिए तो शिया सुन्नी है, और अंदर जाए तो वहाबी है, बरेलवी है, ऐसे बहुत सारे आपके ये और अलग अलग इलाकों को मानने वाले या फिर अलग अलग जो मेन स्ट्रीम है उनको मानने वाले हैं, देवबंदी। सिख में देखें तो केशधारी है कुछ नामधारी है। बौद्ध में देखें तो कोई महायान है, हीनयान है। ईसाई में कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, और जैन में दिगंबर और श्वेतांबर है। तो हर धर्म में अलग अलग बिलीफ वाले लोग हैं, लेकिन सब एक ही चीज़ कहते हैं, जैसे मैं अभी तक कहते आया हूँ कि अच्छा काम करें, खुश रहें। भारतीय राज धर्म को फासला भी रखता है और हस्तक्षेप भी करता है। ये बड़ा एक अच्छा सवाल है कि हिंदुस्तान का जो मेन सेकुलरिज्म में ये कहा गया है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि स्टेट और रिलीजन अलग अलग रहेगा, धर्म अलग 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 रहेगा, लेकिन एक और चीज़ कही है कि धर्म जो है वो स्टेट में इंटरफेयर भी कर सकता है या हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, उलझाने वाला विचार लगता है। तो इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए, चर्चा के माध्यम से जो उदाहरण है उसके अलावा अपनी
अपनी जानकारी से अन्य उदाहरण भी लेके आइए और उसका सहारा आप ले सकते हैं। तो देखिए, भारतीय राज्य का धर्म से फासला या हस्तक्षेप नहीं करना, यह है कि भारतीय राज्य किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देता, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे कैबिनेट, चाहे कोई भी ऐसा आदमी हो जो किसी धर्म को मानता है, वो उस धर्म को किसी पे लागू नहीं करता या वो समर्थन नहीं देता। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तर, जो भी सरकारी जगह हैं, जो भी सरकारी संस्थान हो सकते हैं, चाहे स्टेट के हो, चाहे सेंटर के हो, किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की उन्हें छूट नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। भारतीय राज्य में का जो धर्म हस्तक्षेप है उसके अगर उदाहरण देने की कोशिश करें तो धर्म के नाम पर अलग थलग करना, भेदभाव रोकने के लिए भारतीय संविधान में छुआछूत पर पाबंदी लगाई गई है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पे अगर ऐसा धार्मिक बिलीफ के नाम पे लोग करते हैं तो जो सरकार है और जो भारतीय राज्य है वो इसमें आ सकता है और रोक सकता है, गलत चीजें हो रही हैं अगर धर्म के नाम पर। माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्सा, जैसे अधिकार जो जिसमें एक कानून बनाया गया कि लड़की और लड़कों को बराबर हिस्सा मिलेगा। ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं ये शांति के महत्व को रेखांकित करता है। इस पोस्टर में कहा गया है कि शांति कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह हमारी आपसी भिन्नताओं और साझा हितों को नजरअंदाज करके नहीं चल सकती है। ये वाक्य आपको क्या बताते हैं, पहले इस चीज को देखना पड़ेगा आपको, अपने शब्दों में लिखिए। धार्मिक सहिष्णुता यानी कि रिलीजियस टॉलरेंस, इससे आपका क्या संबंध है? तो शांति से हम सब कुछ प्राप्त करते हैं, हर आदमी इनहेरेंटली शांत होता है, शांत रहना चाहता है, इससे हमारा अपना देश विकास करेगा। अगर एक देश में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो फिर विकास नहीं हो पाएगा, इससे हम उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे। और शांति उसी समय स्थापित की जाती है जब धर्मों के बीच में, कास्ट के बीच में, क्रीड के बीच में, जेंडर के बीच में सहिष्णुता होगी, यानी कि आपस में मोहब्बत होगी, टॉलरेंस होगी और सब मिलजुल कर एक हिंदुस्तानी की तरह या एक देशवासी की तरह रहेंगे। तो ये सवाल जवाब हुए इस टॉपिक के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।